लेकिन जहां पर कल छोड़ा था वहां से शुरू करने से हम जो है कुछ और इधर उधर की चीजें जानते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे वहां से जहां से भी कल छोड़ा। ठीक है, तो कल जैसा कि मैंने बोला पहले कि जो श्री का जिक्र सप्तशती में है वो श्री इस महालक्ष्मी का जिक्र सप्तशती में है, वो महालक्ष्मी नॉर्मल जो लक्ष्मी है जिसको हम लोग जानते हैं उससे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। तो नॉर्मल जो श्री है उसकी आराधना भी जो मैं समझता हूं कि सप्तशती के पहले या सप्तशती के बाद में, यार अगर बोले सप्तशती के साथ में उसकी भी साधना करना जरूरी है, ऐसा मैं समझता। क्योंकि देवी को चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाला कहा गया है, तो वो चतुर्वर्ग कैसे देती है वो देवी? चतुर्वर्ग जो है उस चतुर्वर्ग में एक धन भी एक है वर्ग, और धन के लिए जो है श्री सूक्तम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। श्री सूक्तम में जैसा आपको पता होगा 16 श्लोक है, अगर उन 16 श्लोकों के महिमा की बात करी जाए तो उसमें जो पहला जो श्लोक है उसको, अच्छा इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंसेस के लिए लोग जो है श्री सूक्तम का संपुट लगा के भी सप्तशती का पाठ जो है वो करते, उसके लिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। या श्री सूक्तम में जो है कि पंचदशी मंत्र लगा लेते हैं और उसके साथ पाठ करते हैं, ऐसा भी परंपरा जो है। तो प्रथमे संपदाम प्राप्ति द्वितीयेन पशून लहेत तृतीयेन भवेत धान्यम चतुर्थेन मही लभेत भृत्यान पंचम मंत्रेण षष्ठेन तो महद्विषः सप्तमाद्राज सम्मान अष्टमेन धृतिष्ठराः नवमेन तुरंगाप्ति दशमेन विजाम लभेत एकादशेन वस्त्राणि द्वादशेन सुतौ लभेत त्रयोदशेन रत्नानि चतुर्दश महामनो पृथ्वी सस्य संपन्नाम श्रियं पंचदशेन। ये इसकी महिमा की बात है। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में, अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो आदमी को श्री सूक्तम की एक लाइन का या एक श्लोक का पाठ करने देना, पाठ करने के लिए कहना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। तो प्रथमे संपदाम प्राप्ति, पहले श्लोक को करने से संपदा की प्राप्ति होती है। श्लोक है ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्पतिम चंद्राम हृदय लक्ष्मी जातमी दो महा श्लोक पहला श्लोक संपदा देता है। और देखिए पूजन के क्रम में या बोले पूजन से पहले दिया जलाना बहुत जरूरी है, और दिया जलाने के लिए मंत्र का पाठ करना चाहिए, उसमें अग्नि मंत्र करना चाहिए। अग्नि मंत्र में ओम अग्नि मिले यज्ञ पुरोहित से जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का वो भी कर सकते हैं, रम रामायण नमः ये छोटा अग्नि मंत्र है और बहुत प्रभावशाली है। तो अग्नि मिले पुरोहितम तो नॉर्मल अग्नि देव को खुश करता है, राम रामायण नमः से राम की कृपा और राम की रक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन मैं मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला मंत्र है हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्पतिम चंद्राम हृदय लक्ष्मी जातमी दो महा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। पर्सनल फेवरेट क्यों है? दो वजह से है। पहली बात तो इसलिए कि इस श्लोक में अग्निदेव को ही डिपार्टमेंट दे दिया है कि अग्निदेव हमें धन लागे दो, तो दिया जलाते जलाते ही धन की आप कामना कर लें ताकि धन के अभाव से पूजन में कोई दोष कभी जीवन में ना हो। और जैसा कि अभी बोला संपदा देता है।
दूसरा जो श्लोक है तामा आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्याम हिरण्यम मुंडेयम तामस्व पुरुषानः। ये दूसरा जो श्लोक है जी पशु वहे, ये इंसान को पशु देता है या बोले व्हीकल देता है, फोर्थ हाउस रेमेडी में आप यूज कर सकते हैं। तृतीय भवे धान्यम, तृतीय मंत्र को करने से धान्य की प्राप्ति होगी। धान्य मतलब अनाज, तो खाने पीने की चीजें हैं। या आप बोले कि धन को मैं दो डिपार्टमेंट में बांटता हूं, एक है डिजायर और एक है नीड। तो नीड वाला जो धन है उसको धान्य कहा जाए कि खाने पीने लायक तो पैसा सबके पास होना चाहिए, तो उसको धान्य बोले, नीड वाला पैसा। नीड भी पूरा नहीं हो रहा तो धान्य की कमी है, धन उसके ऊपर आता है, धान्य के बाद धन आता है। पेट भरा हो और जो नीड है वो पूरी हो, फिर एक्स्ट्रा जो धन है वो धन है, जो बेसिक धन है वो धन है। तो तीसरा जो मंत्र है वो जी धान्य को देता है। तीसरा मंत्र अश्व पूर्वामृत मध्याम हस्ती नाद प्रमोदिनिम श्रियम देवी मुखे श्रीमान देवी विश्वा, ये धान्य को देता है। तो चौथा जो श्लोक है वो महिम लभे, चौथा जो श्लोक है वो पृथ्वी का सुख देता है, घर बन जाया अग्नि का, तो घर बनवाता है चौथा श्लोक। चौथा श्लोक काम सुस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आद्राम जलंतिम तृप्ताम तर्वयंतिम पद्मेष्टपाम पद्मवर्णाम तामे हो भव्ये श्रीयम, ये चौथा श्लोक है, ये मही लभे, ये इंसान को मही देता है, ये जमीन देता है। वृत्यान पंचम मंत्र, जो पांचवा मंत्र है वह आदमी को वृत्त देता है, वृत्त माने नौकर। पांचवा मंत्र चंद्राम प्रभासाम यशसा जलंतिम श्रियम लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनिम शरणम प्रबद्ये अलक्ष्मीर में नासताम त्वाम गुणे। ये जो पांचवा जो श्लोक है ये वृत्त देता है, नौकर अच्छे नौकरों की भी जिंदगी में सबको जरूरत होती है। इसके बाद षष्ठेन तु महद्गशः, जो छठा मंत्र है वो आदमी को यश देता है, बोलते फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है, फेम देता है, ये छठा मंत्र है। छठा मंत्र आदित्य वर्णे तपसोद जातो वनस्पति वृक्षो अद विलवह तस्य फलानी तपसा नदंतु मायांतराश्य बाह्या अलक्ष्मी। छठवां श्लोक है, यह आदमी को यश देता है। जो सप्तम श्लोक है वो सप्तम, अब यश में क्या हो गया, प्रेम हो गया, अब बात आती है सम्मान की। तो जो सातवां श्लोक है वो सम्मान देता है, उपैतु माम देव सखा कीर्तिश मणिनाशः प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति वृद्धिं ददातु मे। जो खुद ही कीर्ति वृद्धिं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कीर्ति को बढ़ाता है, कीर्ति माने प्रेम हो गया फिर से, तो सम्मान की प्राप्ति इस श्लोक का जो है बोला है। इसके बाद जो अष्टम जो श्लोक है वो धृति देता है। अब ये धृति को बहुत मायनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ धृति का मतलब बुद्धि समझिए, सिद्धि बुद्धि भी होता है, और धृति मतलब बुद्धि के अनुसार आदमी काम करे। तो कोई भी फैसला लेना हो, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, तो कभी कभी हम अपनी बुद्धि को किनारे रखकर ही गलत फैसला ले लेते, तो गलत फैसला ना हो जाए, उस धृति के लिए जो है कि अष्टम श्लोक चुतपी पासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम हम अभूतिम समृद्धिम च सर्वा निर्लोध में गृहा। यह आठवां श्लोक जो है ये दुर्बुद्धि का नाश करने वाला बोला गया। नवमेन तुरगादि, तुरग माने घोड़ा, वंस अगेन व्हीकल का श्लोक है, तो घोड़ा का मतलब तेज चलने वाला वाहन है, रेसिंग कार फरारी एक्सेट्रा। ये जो है ये अगला श्लोक जो नौवां श्लोक है वो तुरग इत्यादि वंस अगेन वाहन वगैरह जो है वो देता है। नवा श्लोक दंडत द्वाराम दुरा दर्शाम नित पुष्टाम दरिशनिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामे हो भव्ये श्रीयम, नौवां श्लोक जो है। जो दसवां श्लोक है वो गज इत्यादि का एलिफेंट्स इत्यादि देता है, तो एलिफेंट्स भी फिर हैवी व्हीकल्स में आ गए, तो ट्रांसपोर्टर्स और बस वाले जो लोग हैं उनके लिए दसवां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े व्हीकल्स को हाथ की संज्ञा दी जा सकती है। मनसा काम आकृति वाचन सत्यमसी वही पशु नारो अन्य मई श्री श्रेता निशा, दसवां श्लोक जो है उस पर्पज में इस्तेमाल किया जाएगा। एकादश ग्यारहवां जो श्लोक है एकादशी नमस्कानी, ग्यारहवां श्लोक जो है वो वस्त्र देता है, अच्छे अच्छे पहनने के कपड़े, रूप भी कह सकते हैं कि सुंदर भी बनाता है, सुंदरता के लिए भी मंत्र है ग्यारहवां जो मंत्र है। कर्दमेन प्रजाभूता मई संभव कदर्म श्रियम वासय मेकुले मातरम पद्म मालिनी, ग्यारहवां श्लोक जो है ये वस्त्र देता।
जो 12वां श्लोक है वो संतान की प्राप्ति कराता है, इंपॉर्टेंट रेमेडी का बहुत काम आएगा। जो 12वां जो श्लोक है वो सुतौल लभे, 12वां श्लोक जो है वो सुत देता है। आपह सुजंतु सुनिधनानी चिक्कलीत वसने गृहे ह्रीम नीच देवी मातरम श्रियम वासय मेखले। इसमें कुले शब्द का इस्तेमाल आया, श्रियम वासय मेखले, श्री हमारे कुल में वास करे, संतान देता। इसके बाद जो 13वां श्लोक है वो रत्न देता है, जेमस्टोन्स देता है। तो यहाँ बोलो कि धान्य मतलब बेसिक नेसेसिटी ऑफ मनी, धन मतलब इवन मोर मनी, और रत्न मतलब एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा विलेंट मनी, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत पैसा हो जाता है आदमी को तो सोने के बिस्किट बनाने लगता है ना बैठे, वैसे बन होगा। तो रत्न देता है 13वां श्लोक। आद्रा पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलाम पद्मालिनिम चंद्राम हृदयम लक्ष्मीम जात रेदोम आवा। ये 13वां श्लोक जो है प्रस्तुत किया, रत्न दिया सॉरी। चतुर्दश महामनो, तो चतुर्दश जो है 14वां जो श्लोक है वो महामना देता है। महामन में सम्मान भी आप इसको कह सकते हैं, खास करके मानसिक शांति कह सकते हैं, मानसिक शांति और सम्मान, ये जो है ये 14वां श्लोक देता है। आद्राम यशिष्करणिम यष्टिम सुवर्णाम एवं मालिनीम सूर्याम हृदयम लक्ष्मीम जात वेदोम आवा। 14वां जो श्लोक है ये मानसिक शांति और महामनो, महामना वो है जिसको पूरी सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है, वो महामन ये देगा। पृथ्वी सस्य संपन्नाम श्रियम पंचदशेतु, जो 15वां मंत्र है वो देखो बहुत कुछ देता है। पृथ्वी मतलब पूरे पृथ्वी का राजा बना देता है आदमी को, दैट मीन्स आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं। शस्य संपन्नाम, शस्य मतलब शस्य सब्जी, साग सब्जी को शस्य कह सकते हैं, जो भी खेत में उगता है जिसको किसान हार्वेस्ट करते हैं वो सब शस्य की श्रेणी में आता है। तो पेड़ पौधों की जो एस्ट्रोलॉजी है उसको शस्य जातक कहते हैं, कि आम का पेड़ जब लगाया उसके हिसाब से कब आम उगेगा, इस कैलकुलेशन को शस्य जातक कहते हैं। तो पृथ्वी का राजा होना, बहुत सारे लोगों को ऊपर कंट्रोल करना, धान्य जो फूड की जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करना, जिंदगी में संपत्ति देना और श्री देना। श्री का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया है कि श्री का मतलब है पर्सन, एक आदमी के जैसा जो दूसरे लोग बनना चाहते हैं तो वो आदमी श्री संपन्न होता है। जब आपको श्री मिल जाएगी तो और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, ये श्री होगी। तो श्री और संपत्ति और खाने पीने की नेसेसिटीज और इन सब चीजों को जो 15वां श्लोक जो है, ताम आवह जात देदो लक्ष्मी मन पगामनिम यस्याम हृदयम प्रकूतम गावो दासो दास्यो अस्वान विन्दयम पुरुषानहम। ये 15वां जो श्लोक है ये आपको ये फल देता है। 16वां श्लोक और 16वें श्लोक के आगे के जितने भी श्लोक हैं वो सारे फलश्रुति हैं, है ना। 15 श्लोक की जो है किसी सूत्र में बाकी सारे श्लोक फलश्रुति के हैं, इसको पढ़ने से क्या फल होता है वो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी ये सीक्रेट यूजेस नहीं लिखा हुआ, ये सीक्रेट यूजेस में अलग से बता दे रहा हूँ आपको। इसको तीन कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने बोला कि आप इसको किसी पर्सन को एज अ रेमेडी भी दे सकते हैं और वो उसको बार बार 108 बार जाप करके जाप इत्यादि कुछ करके अच्छा फल प्राप्त कर लेगा, पहली बात बोली है ना। रेमेडी के तौर पर आप इसको दे सकते हैं, ये तो पहला हुआ। रेमेडी में भी थोड़ा सा और बोलूंगा, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, पहली बात तो रेमेडी के तौर पर दिया जा सकता है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहला बोला कि मैं पहले श्लोक से दीपक जलाता हूं, तो यहां पर एक विशेष बात यह आती है कि पूजा के दौरान, पूजा के बीच में कुछ समय खाली समय होते हैं, दिया जलाते समय या इन सब चीजों में, उस समय में आदमी कौन से मंत्रों का जाप करे। ज्यादातर लोग तो चुप रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है चुप रहने से मन में और विचार आने लग जाते हैं। तो क्या मैं मिशन में था तो हमारे स्वामी जी जो हैं वो स्वामी जी एक कथा सुना रहे थे, भक्तों की मीटिंग थी, भक्तों की मीटिंग में हम भी भक्त थे, तो कहानी सुना रहे थे कि एक आदमी मेरे पास आया और बोला महाराज जी को बंगाली में हिंदी बोलते हैं बड़े क्यूट लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जब से गुरु मंत्र कर रहा हूँ मुझे तब से बहुत धन आया। मैंने पूछा भाई गुरु मंत्र से धन तो नहीं आना चाहिए, क्या कैसे आया। उन्होंने कहा मैं जब भी मंत्र जाप करने बैठता हूँ तब मेरे मन में उन सब लोगों के नाम याद आने लगते हैं जिनसे पैसा लेना है, तो मैं कॉपी बगल में रखता हूँ और लिखता जाता हूँ नाम, और पूजा खत्म होते ही सबको फोन कर देता हूँ बहुत धन लाभ होगा। तो ऐसे मन में ऐसे फालतू विचार नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब देखो थोड़े से और थोड़े से यूजेस जो है वो बताना चाहूंगा मैं, हल्का सा, ठीक है।
थोड़े से और यूजेस पे आता हूँ, रेमेडियल पार्ट में ही अगर आ ले जाए तो मंत्रात्मक थोड़ा सा इस्तेमाल इसको बोले। आप पेंट देख पा रहे होंगे अपने सामने, कि स्क्रीन पे पेंट खुला हुआ होगा, देख पा रहे नजर आ रहा है आप लोगों को। इसमें कुछ ड्राइंग्स बना रहा हूं, तो एक जो है देखिए चौकोर बनाइए ऐसा। ये आप वैसे तो इसको जो है सोने सोने के प्लेट में बनाना चाहिए या सोने पे बनाना चाहिए, बट सोने पे क्या आदमी बनाएगा। तो एक व्हाइट पेपर आप ले लो और उस पे कुमकुम ले लो, कोई लाल ऑब्जेक्ट ले लो, कुमकुम ले सकते हैं, लाल कोई चीज कुमकुम संजो, उसमें से ऐसे चौकोर बनाइए और उस चौकोर के बीच में ऐसे ग्रीन लिखिए, ठीक है, ग्रीन लिखिए और फिर इस ग्रीन को लिख करके तिलक तिलक लगा करके, फिर सारा प्रोसेस आपने कर लेना है, तिलक तिलक लगा लेना है, दीप जला लेना है, फिर आप इस पेपर पे ग्रीन लिखेंगे। अब कौन से दिनों में लिखना है वो दिन मैं थोड़ा बताऊंगा, इसको पूरा कर दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि कब लिखना है, कब उसको करना है वो बताऊंगा। पैसा आप एक चौकोर बना करके उसके बीच में ग्रीन लिख लेंगे और रोज आप 30,000 बार इस ग्रीन का फिर पाठ करेंगे, 30,000 टाइम्स ह्रीम 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 करके एक मानो जल्दी जल्दी हो जाए। अगर आपको 30,000 रोज करना है, 30,000 टाइम्स डेली अगर आपको करना है, तो देखिए 30,000 को 108 से डिवाइड कर देते हैं तो 277 के आसपास मालाएं कुछ जो है कि 277 मालाएं पढ़ दे करनी पड़े। 30,000 मतलब टोटल करना है उसको। अब आप वो 30,000 30 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में कर रहे हैं, जो भी बोले कि 30,000 जाप 30,000 दिनों में नहीं होना चाहिए। तो एक दिन में कभी भी जो है कि 10 माला से ऊपर जाप हो, और ऐसे ह्रीम ह्रीम करना तो क्या बोलते 10 माला भी आसान नहीं है, हो जाएगा ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मंत्र में शुरुआत और अंत में थोड़ा सा पॉज, ह्रीम 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 ऐसे करना है, ह्रीम 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 ऐसे नहीं करना, लगातार लगातार नहीं करना, एक बार ह्रीम 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 ऐसे करना। 30,000 बार इसका जाप कर लेने से ऐसा वशीकरण होता है। अब जब मैं षटकर्मों की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है भाई कि फिर वशीकरण तो गलत चीज है। देखो वशीकरण का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो शास्त्र सम्मत रिश्ते हैं, पति पत्नी शादीशुदा, बाप बेटा या माँ बेटा, भाई बहन, अगर इनके बीच में कोई बातचीत ना चल रही हो, खटपट हो रही हो, तो वशीकरण से क्या होता है कि वो संबंध अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आप वशीकरण किसी अनजाने व्यक्ति पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, पहली बात तो ये, और जो धर्म संबंध रिलेशनशिप नहीं है उस पर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो गर्लफ्रेंड का वशीकरण नहीं हो सकता। जैसे बड़े लोग लिख करके देते हैं हमारे किए हुए काम को चैलेंज करके दिखाने वाले को, ये इनाम वो इनाम, बाबा खान बंगाली, लेकिन वो खान बंगाली बाबा भी जो है कि किसी भी गर्लफ्रेंड पे या राह चलते किसी आदमी को वशीकरण तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए होते, लेकिन नहीं कर पाए। अब एक और यंत्र बताता हूं छोटा सा। ऐसे त्रिकोण बनाइए और ये त्रिकोण में ये जो एरिया है यहाँ पर एक और लाइन ऐसा बना दीजिए, तो ये त्रिशूल हो गया तीनों तरफ। इसके बीच में श्रीम को लिखिए और फिर इस श्रीम मंत्र को 45 दिनों तक रोज 1,000 जाप करिए। 1,000 जाप है 10 माह आसान है, श्रीम 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 ऐसा करके 1,000 माला रोज जाप करके 45 दिनों तक जाप करने से 45,000 माला होगी। तो 45,000 बार जाप करने से आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान मिलता है आपको, अच्छा आदमी ज्ञानी होता है। अभी देखो ज्ञानी होने का क्या मतलब है, आप लोग ज्ञानी नहीं है क्या, सारे ज्ञानी। ज्ञानी होने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ें, एक होता है ना वो राइट हिडन बिटवीन द लाइंस, ये अंडरस्टैंडिंग जो चीज होती है, तो ज्ञानी आदमी को चीजों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ये ज्ञानी होने से इंट्यूशन वगैरह भी आदमी को ज्यादा आने लगता है, ज्ञानी होने की पहचान है इंट्यूशन, अंतर ज्ञान का होना, ये ज्ञानी होना हुआ, या चीजों को समझ पाना, ठीक से याद कर पाना, ये ज्ञानी हुआ। ऐसा ऐसा करने से ये सब आपको वो लाल कुमकुम से याद,
ऐसे गोरोचंद से, कुमकुम से, क्या गोरोचंद का लाल नहीं होता, कुमकुम इत्यादि से लिखना है आपको। अगली बार अगले इस पे आता हूं, ऐसे करके आप एक चौकोर बक्सा बनाएंगे और इसके बीच में फिर से श्रीम ही लिखेंगे। अब इसमें ऐसा करके अगर 45 दिनों तक रोज 1000 बार श्रीम 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 बना के जाप किया जाए तो धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्त होगी। अभी देखो डायग्राम बदल गया, प्राइम से ये चौकोर पे आ गया, तो ज्ञान से लेकर के ये धन पे पहुंच गया। हस्तरेखा में भी अगर हाथ में चौकोर बनाओ तो धन देने वाला होता है ऐसा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये रेखा बना दिया ना, यहां पर त्रिशूल बना दिया और इसके नीचे भी एक त्रिशूल बनाया, बट अब ये खुला हुआ त्रिशूल है, ये लाइन यहीं तक होनी चाहिए, यहीं तक लाइन बनेगी फिर यहीं पर से ऐसे हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं ऐसे करके, नहीं बराबर को ऐसा बना दिया। इसके बीच में लाल ही पहले लेता हूं, इसके बीच में ऐसा ह्रीम लिखने से, इसके बीच में ह्रीम लिखी है और ये ह्रीम लिख करके इसको 45 दिनों तक रोज 1000 बार ह्रीम 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 जाप करने से ईश्वर का दर्शन होता है और आत्म का ज्ञान होता है, माने आध्यात्मिक उन्नति होती है ना। ईश्वर के दर्शन स्वप्न में भी हो सकते हैं, रियल लाइफ में होना मुश्किल है, रियल लाइफ में तो लोग पहचान नहीं पाते, स्वप्न में होना ही बेहतर है, स्वप्न में देवता देवता लगता है, रियल लाइफ में लगता है। बहुत बार ऐसी कथा आती है, आप सत्यनारायण कथा पढ़ेंगे तो जब वैश्य घर वापिस आ रहा होता है तो उसको छोटा उसको वो जो है कि विष्णु ठग लेते हैं, तो विष्णु की स्तुति करता है कि प्रभु आप माया धारण करके आ जाते हैं, बताइए हनुमान कैसे पहचान पाएगा, है ना। तो स्वप्न में होना ही बेहतर है मुझे लगता है, रियल में हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसकी जो है कि प्राप्ति होती है इस चीज की। सर इसमें नीचे में वो डबल लाइन था क्या कि एक लाइन, तीन लाइन थी, ओके ऐसा था, अभी बना कर दिखाता हूं, इधर एक ऐसे लाइन थी, एक ऐसे लाइन थी, एक ऐसे लाइन थी और यहाँ पर भी दो लाइनें थी, ओके ओके ओके, ये सिंगल, अच्छा वहां पे डबल था तो कंफ्यूज है, ठीक है सर। दूसरी ये यहां से नीचे सूप की तरह खुल रहा है ऐसा, खुल रहा है नीचे ऐसा इमेज, हम आगे चलते हैं। एक ऐसा बनाइए डिजाइन, इसके बीच में ग्रीव लिखिए, इस ग्रीव को 21 दिन तक 6000 बार, 6000 बार माने 60 माला, 6000 बार रोज 21 दिन तक जाप करने से आदमी को रोगों से मुक्ति मिलती है, डिजीज फ्री हो जाता है, रोग से मुक्ति देता है, ऐसे करके जाप करो, ठीक है। अभी आगे देखिए, एक ऐसा डिजाइन बनाइए और इसके नीचे एक ऐसा डिजाइन बनाइए, इसके बीच में ओम लिखिए, days तक 1000 बार ओम 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 ऐसा करके 1000 बार मैंने 10 माला रोज जाप करने से 96 days में 100 days समझ लीजिए आदमी को बड़ी अधिदैविक शक्तियां प्राप्त होती हैं ऐसा बोला है, लेकिन अधिदैविक शक्तियां प्राप्त होंगी ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, तो इसमें आदमी को वो फोरसाइट इंट्यूशन ये सब चीजें जो है वो प्राप्त होती हैं और देवता की तरह इंसान सुंदर निरोग इत्यादि हो जाता है, जीवन में इंजॉयमेंट प्राप्त कर पाता है, अच्छा होगा रोग वगैरह से मुक्ति होगी, देवता जैसा हो जाता है ना, अमर हो जाएंगे ऐसा ना सोचें, देवता जैसा हो जाने का ये मतलब हुआ कि आदमी जो है अच्छा रूप शरीर प्राप्त कर लेता है, डिजीज फ्री रहता है, लाइफ में चीजों को ठीक से इंजॉय कर पाता है, ये बड़ी जरूरी चीज है लाइफ में ठीक से चीजों को इंजॉय कर पाना, मैं बड़ा जरूरी चीज समझता हूँ कि आदमी ऑफिस से आया और वाइफ ने घर में अच्छा खाना बना रखा था, अब ऑफिस की टेंशन से आदमी परेशान बीवी को डांट देता है, फिर मूड खराब हो जाता है, फिर वो अच्छा सा खाना भी मुंह लटका के खाता है, एंजॉय नहीं करता, तो लाइफ में ये एंजॉयमेंट बाहर की चीज, बाहर हो अंदर की चीज, अंदर हो
आपके कॉम्पिटिटर से आपका कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है वो आप पे कोई मानसिक तौर पर असर ना डाल पाए, किसी को एंजॉय करना चाहते हैं। इंद्र को देखिए आप, इतनी बार उसके स्वर्ग में चढ़ाई हो जाती, दोबारा स्वर्ग मिलता है, फिर अपसर आराम शुरू हो जाता, वो फर्क ही नहीं पड़ता पीछे क्या हुआ, तो पता हर बार जीत जाऊंगा क्या हुआ, ठीक है। अब एक ऐसा चौकोर बना के इस चौकोर के भीतर रम लिखिए और इस रम को 45 दिनों तक और 45 डेज 1000 बार रोज जपने से, दस माला रोज रम 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 ऐसा करने से कान और आंखों से जुड़ी हुई समस्या ठीक होती है। अब रम क्योंकि अग्नि बीज है तो जिनको चश्मा लगा रहा हो वो लोग इसको लगा करते हैं, चश्मे का नंबर पावर कम कर सकते हैं, जितनी कम इससे शुरू करेंगे उतने ज्यादा चांसेस रिकवरी के हैं। ये नहीं कि 60 साल का आदमी शुरू कर दिया सोचे मेरा चश्मा छूट जाएगा तो बहुत दुर्लभ चीज है, कम इससे जितना शुरू किया जाए उतनी कम इससे शुरू करें तो अच्छा, ठीक है। अब देखिए एक ऐसे चंद्राकार बनाइए गोला, इसके ऊपर एक और गोला बनाइए, ठीक है। इसमें चार हरीफ लिखने हैं, एक हरीफ इधर लिख लिया, ये कर लिया, एक हरीम आपने इधर लिखा, एक हरीम आपने इसके नीचे लिखा, एक हरीम आपने इधर लिखा, ये बड़ा बड़ा लिखना है, मैं माउस से लिख रहा हूं तो छोटा छोटा लिख रहा हूं, एक हरीम आपने यहां लिखा, चार हरीम हो गई। 25 दिनों तक रोज 1000 बार ये हरीम 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 यंत्र लिख करके 25 दिनों तक रोज 1000 बार इसका जाप करने से जो है आदमी जो है पॉपुलर होता है, फेमस होता है, लोग उसको प्यार करते हैं, मोहन होता है टेक्निकली। मोहन का मतलब क्या है, देखो कोई आदमी जब आपके सामने आता है आपको उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आई वांट टू बी लाइक हिम, कितने अच्छे कितने सज्जन पुरुष हैं, जबकि अभी उसने कुछ नहीं किया है आपके लिए। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आता है आपको देखने लगता है क्या बेकार आदमी है, अब उसने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, फिर भी आपको बेकार लगा, फिर भी आपको अच्छा लगा। कभी कभी कोई डिलीवरी बॉय आएगा और आपका सामान भी गिरा देगा, फिर भी आप बोलोगे कोई बात नहीं भैया गलती से हो गए, और कभी आने में लेट हो जाएगा फिर भी बड़बड़ हो गई। तो जिसको आपको देखते ही अच्छा लगे, देखते ही उसके जैसा बनने का मन करे, व्यक्ति के बिना भी कुछ किया उसके आप मोहन की शक्ति होती है, ऐसा कहा जाए कि वो लोगों को मोहित कर लेता है, दिल को अच्छा लगता है, पसंदीदा होता है, ऐसा करने से आदमी सबका पसंदीदा हो जाता है। इसी मोहन के लिए एक और छोटा सा इस्तेमाल है, तो एक ऐसे लाइन बनानी है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे छत बना देगी, इस गोल बनाना चंद्रमा के जैसा, इसके अंदर आपको क्लीन लिखना है, और इस क्लीन को 45 दिनों तक रोज 1000 बार जाप करने से उन्हें 10 माला, इससे भी मोहन होता है, मोहन की प्राप्ति होती है, जब आप लोगों को अच्छे लगने लग जाते हैं वो प्यारी ऐसा करने से भी होता है। ये कुछ छोटे से प्रयोग हैं,